खिज़र जो है वो प्लाट से दरवाज़ा खोल रहा है। तो खिज़र को सामने देखें, खिज़र गोल्डन बफ के केज में। हमारे बाकी कबूतर चेक करें, सब कुछ ठीक है। और गोल्डन बफ का दरवाज़ा खोलो। हमारा गोल्डन बफ को किसी ने क्या पकड़ कर जिसने पकड़ के मारा है वो कातिल अंदर ही है। अभी हम दिखा देते हैं आपको, वो देखें ऊपर, इसको पकड़ो, उठाओ, चक्कर। हमारा गोल्डन बफ को जी बिल्ली ने हमला करके जो है वो ख़त्म कर दिया है। और बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारा गोल्डन बफ ख़त्म। गोल्डन बफ चेक करें कि हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिल्ली ने जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो अब जो है वो इसको फेंकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो हमारी डक्स भी चेक करें, इसके पास आ रही हैं और वो वाइट वाली मार रही थी आगे, मगर इसको क्या, ये तो ख़त्म हो चुका है अब। तो जल्दी जल्दी इसको जो है वो अब दफना देते हैं और सुकून करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हमारा गोल्डन बफ को बिल्ली ने पकड़कर उसका आगे से जो है ना वो उसका मुंह खा लिया, तो उसको ख़त्म कर दिया। तो बहुत दुख हो रहा है और दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने को, मगर फिर भी बना रहे हैं। तो हमारे बाकी परिंदे जो हम अभी अंदर ही हैं, उनको हम नहीं खोल रहे। आज मेरा दिल नहीं कर रहा खोलने को। तो खिज़र भी कह रहे छोड़े यार ना खोले। तो कोई पता नहीं है, बिल्ली दोबारा भी आ सकती है। पहले बिल्ली का बंदोबस्त करते हैं, उसके बाद अपने परिंदे खोलेंगे। तो बाकी इस साइड पर हमारी छोटी ब्राउन डॉग्स भी घूम रही हैं, उनको कुछ नहीं कहती। बिल्ली भी उनसे डरती है क्योंकि डॉग्स जो है वो उनको मारने लग जाती है। तो बाकी जो है वो हमारे खरगोश माशाल्लाह से सेव हैं और बच्चे भी सेव हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे खरगोश जो है वो सेव हैं। तो हमारे खरगोश भी सेव हैं, तो बच्चे भी उनके ठीक हैं और सेव हैं। तो बाकी हमारी डक्स वगैरह आज नहीं खोलते, दोपहर को आएंगे 10-15 मिनट के लिए खोल लेंगे और इनको घूमने दे देंगे। बाकी इस टाइम मेरा दिल तो नहीं मान रहा और ना ही मैं खोल रहा हूँ। तो मुर्जू जैब वो ऑफ हो चुका है, तो देखते हैं वहाँ से बाहर से चारा मिलता है तो वो ला कर इसके अंदर रख देते हैं। बाकी पिंजरों के अंदर जो है वो बाजा वगैरह रख देते हैं। तो चलते हैं। खिज़र जो है वो सब्ज़ी वगैरह ले आया है। तो खिज़र हमारी बतखों को दो को सब्ज़ी वगैरह रखी है, तो वो खाना स्टार्ट हो चुकी हैं। चेक करें तो बड़े वाला मेल डक जो है वो किसी को देखे इस तरह करता है, उसके पीछे पड़ने की कोशिश करता है। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। हमारा गोल्डन बफ का जो पिंजरा है वो बिल्कुल खाली हो चुका है और खिज़र देखें मायूस होकर खड़ा है। तो ये हमारे खरगोश चेक करें तो माशाल्लाह से सामने हमारा वेट कर रहे हैं। तो इनको सब्ज़ी वगैरह, पालक वगैरह, टमाटर वगैरह सब कुछ डालते हैं। और खरगोश के बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे शायद, या नहीं नज़र आ रहे, तो वो सामने बैठे हुए हैं। तो वो सामने बैठा हुआ है मुंह निकाल कर बाहर। तो माशाल्लाह से हमारे खरगोश जो है वो भी हैप्पी हैं। और यहाँ पर हमारी मोरनी, छोटी डक सब कुछ खड़े हैं वैसे ही। और तालाब जो है वो बिल्कुल सूख चुका है, चेक करें अंदर से। तो अब इसमें डालते हैं हम पानी, तो पानी डालकर बतखों को जो है वो नहाने देते हैं इसके ऊपर। आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम थोड़ा सा अच्छा है। बादल वगैरह चेक करें बन रहे हैं, अभी आ रहे हैं लेकिन आए नहीं हैं अभी, मतलब धूप अभी निकली हुई है। तो जल्दी जल्दी जो है वो अपने डक्स को और मोरनी को और कबूतरों को सबको, मतलब बाजरा वगैरह सब्ज़ी वगैरह सबको शेयर करते हैं। चलाओ तो मैं जो है वो पाइप पकड़ कर लाता हूँ। तो पाइप पकड़ के लाते हैं और जो है सबसे पहले तालाब भरते हैं। हमारी जो डक्स है वो तालाब के अंदर बैठी हुई है, तो जल्दी जल्दी जो है वो अपना तालाब भरते हैं स्पीड के साथ। तो हमारी डक्स चेक करें सूखे तालाब के अंदर ही खड़ी थी, तो तालाब भरना स्टार्ट करते हैं। तालाब भरना शुरू हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता ये फुल भर जाएगा। हमारी डक्स अभी पानी भरना स्टार्ट हुआ ही है, तो हमारी डक्स आकर पानी पीना स्टार्ट हो चुकी हैं। लगता है बहुत ज़्यादा प्यासी हैं। और बाकी परिंदों के खिज़र जल्दी जल्दी जा वो ले आ पानी वाले बर्तन। तो बाकी परिंदों को पानी वगैरह डालना है और परिंदों को निकलने ही नहीं देना भाई। तो हमारी डक्स जो है वो माशाल्लाह से पानी पी रही हैं। मेल डक जो है वो चेक करें खिज़र पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं कि करीब ना हो। वो देखें, डक्स ने खिज़र के ऊपर हमला कर दिया और फुल स्पीड से शोर मचा रही हैं। चकोरों को जो है वो बाजरा और पानी डालकर रखती है। चकोरें हमारी हमसे डर रही हैं और अंडे भी माशाल्लाह से 7 हो चुके हैं, आज एक और ज़्यादा हो चुका है। तो चकोरों को जो है वो खाने देते हैं और पीने देते हैं। अब बाहर निकल जाते हैं। माशाल्लाह से चकोरें पानी पीना स्टार्ट हो चुकी हैं और यहाँ पर बाजरा भी पड़ा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता बाजरा भी खा लेंगे। चूज़ों को भी जो है दाना पानी डाल दिया है तो ये भी खुद ब खुद खा लें। हमारे कबूतरों को हमने बाजरा वगैरह डाल दिया तो माशाल्लाह से खाना स्टार्ट हो चुके हैं। पानी भी इस साइड पे रख दिया तो वो खुद ब खुद खा लेंगे सब कुछ। तो हमारे कबूतर जो है वो अब सुकून में रहें। यहाँ पर देखें तो हमारा माशाल्लाह से गोल्डन बफ का पिंजरा जो है वो हमने अपने खरगोशों को जो है वो एक साइड पे पालक, फिर टमाटर और इस साइड पर सब्ज़ी के जो छिलके, पत्ते, इस तरह की चीज़ें सब कुछ रख दिया है। और हमारे बेबी रैबिट्स भी आपको शायद नज़र आ रहे हो, सामने ही बैठे हुए हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे। तो उसके बाद हमारी डक्स चेक करें, यहाँ पर खाने पीने में मगन है और दूसरी तरफ मेल डक भी खाने पीने में मगन है। और हमारी मोरनी जो है वो स्ट्रेट सामने ही खड़ी हुई है, ना हिल रही है ना कुछ। तो बाकी हमने परिंदे वगैरह आज नहीं खोले थे, तो वो आपको भी पता है कि हमारा मुर्गे के जाने के बाद हमें खुद भी थोड़ा सा डर लगा हुआ है कि कहीं परिंदे खोल के जाएं और पीछे से बिल्ली अटैक ना कर दे। तो इसलिए अभी 5-6 दिन जो है वो हम अपने परिंदे बहुत कम खोलेंगे। तो बाकी जो है वो हमारी डक्स चेक करें और सामने खिज़र खड़ा हुआ है तो डक्स उसके ऊपर हमला कर रही हैं और खिज़र जो है वो बचता बचाता वहाँ से निकल आएगा। तो बाकी हमारा तालाब फुल भर चुका है तो हमारी डक्स नहा लेंगी खुद ब खुद। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। हमारे मुर्गा गोल्डन बफ जो जाने के बाद आज हमने व्लॉग बहुत छोटा कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा अफसोस लगा कि हमारा गोल्डन बफ नहीं रहा। तो हम अब देखेंगे आगे, हमारे पिंजरे जो हैं वो 3 खाली हैं, उसके लिए हम 2-3 दिन में और परिंदे लाएँगे। थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए तो फिर इंशाल्लाह 2-3 दिन तक और परिंदे लाएंगे और वो प्रॉपर सेटअप के साथ यहाँ पर रखेंगे। तो 2-3 दिन तक इंशाल्लाह हमारे और परिंदे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं कल। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। हमारा छोटा सा चैनल छोटा जंगल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद न्यू अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।